सेकंड शिफ्ट के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे क्या, फर्स्ट शिफ्ट के मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा काफी सारे क्वेश्चंस। एग्जाम लेवल में फिजिक्स इस बार अच्छा आ रहा है, मतलब काफी अच्छा आ रहा है, तो जो भी एक ठीक ठाक स्कोर करेगा मैं आपको ठीक ठाक बता रहा हूँ, हर शिफ्ट हर एक पीरियड पे वही बताता हूँ सेम टू सेम। 30-35-35 नंबर तक कर लोगे एक्स ग्रुप में तो हो जाएगा, और वाई ग्रुप में यही सेम टू सेम इतना कर लोगे तो हो जाएगा। अब अगर आप इस पेपर को हार्ड बोलते हो तो मैं कभी इसे हार्ड नहीं बोलूंगा। बल्ब का फिलामेंट किसे नहीं पता होगा कि टंगस्टन का बना होता है, हीटर का पूछ सकता है किससे बना होता है। हाँ, यूक्रेन के लिए जो भारत की तरफ से अभ्यास चलाया गया था ऑपरेशन गंगा, ठीक है, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने के लिए। बांदीपुर पार्क कहाँ पे है कर्नाटक में, स्टेचू ऑफ इक्विटी कहाँ पे है ये पूछा, या किससे संबंधित है, स्टेचू ऑफ इक्विटी से क्वेश्चन आया था। शिवाजी का धार्मिक गुरु पूछा था, शिवाजी का पूछा था, शिव जी का नहीं, शिवाजी का अच्छा पूछा था। जीके जीएस मॉडरेट ही था इतना। अब ये क्वेश्चन आते हैं 7-8 क्वेश्चन, इनको आप हार्ड बोलते हो तो फिर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, ठीक है। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं इंग्लिश में, इन्फॉर्म, इन्फॉर्म का आपका एडजेक्टिव बताना इन्फॉर्मल टाइप में हो जाएगा क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो आपका नाउन होता है। ऑप्टिमिस्टिक मतलब होता है आशावादी, तो साइनोनिम बताना था इसका। एंटोनिम हो जाएगा पैसिमिस्ट, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप कर दोगे। फ्रीडम किसे नहीं पता होगा, फ्रीडम फ्रीडम किसी को मीनिंग नहीं पता होगा। कल थी ग्लोरी, स्टेल ऐसे वर्ड थे। फ्रीडम मतलब होता है आपका लाइक आजादी, तो आपका गुलामी टाइप में, स्लेवरी टाइप में कुछ वर्ड होगा, ठीक। माई फादर सेज टू मी यू आर स्मार्ट, नरेशन, अभी नरेशन मैंने बोला ना, नरेशन पैसिव देखो दोनों ही जी हैं। एपिथेट जो एक होता है मतलब कि वो मतलब लिखा होता है कागज पे, ऐसा कुछ लिखा होता है उसमें, चट्टानों पे जो लिखा होता है उसे बोला जाता है। अब ये वाले रूल मैंने करा है, अभी आप ऊपर जाके देख लो, ये आपका जो इफ वाला मतलब कंडीशनल रूल, जिन्होंने वीडियो मेरे देखे हैं इधर वाले उनमें से ही दोनों के दोनों क्वेश्चन है। डिग्री का मैंने बार बार ये डिग्री का और ये वाले रूल, ये तो मैंने 3-4 वीडियो पे रिवीजन कराया कराया तो एक ही वीडियो पे था ये दोनों के दोनों रूल, ठीक है। ये सिंपल से थे, सेम डिग्री का यूज होना था, ठीक है। और यहाँ पे रीजनिंग नॉन वर्बल मॉडरेट टू हाई, 5 नॉन वर्बल क्वेश्चन जो आते हैं वही सेम पैटर्न आया है, बाकी और कुछ खास नहीं है। पीडीएफ मतलब यहाँ पे, अब टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे नहीं होता, डेफिनेटली जुड़ जाइएगा, सारा का सारा अपडेट एंड सब कुछ यहाँ पे आपको पता चलते रहता है। और अपना कोई रिव्यू हो, कोई व्यू हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी आपको थोड़ा सा फर्स्ट शिफ्ट का भी रिव्यू दे देता हूँ कि फर्स्ट शिफ्ट में कैसे क्या हाल रहे हैं। फर्स्ट शिफ्ट का भी पेपर ठीक ठाक आया है, फिजिक्स का थोड़ा सा इस बार लेवल अच्छा आ रहा है। ओके, फिजिक्स का लेवल एक तो स्लाइड में और डाल लेता हूँ, फिर उसके बाद बात करते हैं। हाँ, तो देखो इस बार फिजिक्स का लेवल अच्छा आ रहा है, तो ये जैसे किसी का फिजिक्स में इस बार मैं कहता हूँ 10 नंबर ही सही हुए है तो वो टेंशन ले रहा होगा, भैया कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो। अगर फिजिक्स हार्ड आ रही तो आपको पहले नंबर तो नॉर्मलाइजेशन में मार्क मिलेंगे, दूसरा नंबर इनिशियल जो सब्जेक्ट कट ऑफ जाएगा ना वो इस बार मुझे ऐसा लगता है कि कम है, क्योंकि लड़के बहुत कम है भाई, जितने भी लड़के हैं ना सब फ्रेशर हैं, प्रीवियस जो अच्छे से तैयारी कर रहे थे वो बचे ही नहीं, क्योंकि इस बार एज भी तो कम था ना, इससे पहले वाला जो अटेम्प्ट था उसमें सबका एज था, उसमें अच्छे खासे लड़के थे, इस बार ज्यादा एज वाले लड़के ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज भी आप सभी के दिमाग में होनी चाहिए। बाकी देखो फिजिक्स अच्छा आ रहा है तो फिजिक्स में ठीक ठाक, अगर ज्यादा स्कोर नहीं हो रहा है आप 12-13 भी क्वेश्चन कर पा रहे हो, इतने तो कर ही लोगे, 12-13 भी कर पा रहे हो तो ठीक है, कोई दिक्कत इतनी लेने वाली बात नहीं है, ओके। और जैसे कि सेकेंड शिफ्ट में यहाँ पे बात करता हूँ रीजनिंग की, जैसे बात करते हैं रीजनिंग में एनोलॉजी से क्वेश्चन आ रहा है, सेकंड शिफ्ट मतलब मैथ्स ओवरऑल ठीक आ रहा है, इंग्लिश हर एक शिफ्ट का इजी है, अभी तक जितनी चार पांच शिफ्ट हुई है, 4 शिफ्ट हुई है, आई थिंक इस बार 2 ही शिफ्ट हो रही है, तो दोनों शिफ्ट का इंग्लिश मॉडरेट आया। हार्ड मतलब हार्ड कुछ नहीं है, मैंने आपको 3 शिफ्ट का दिखाया है, ठीक है, मुझे यहाँ पे कुछ भी हार्ड नहीं लगा, ओके। आगे बात करते हैं यहाँ पे, अगर इंग्लिश उसके आपको फर्स्ट शिफ्ट के कुछ रीजनिंग के चैप्टर्स मैं बता देता हूँ जिनका पेपर है, ठीक है। सीधा सिंपल से नॉन वर्बल से 5 फिगर के क्वेश्चन पक्के हैं, आएंगे, आ रहे हैं। ब्लड रिलेशन पक्का आ रहा है, हर शिफ्ट में आ रहा है ब्लड रिलेशन, आपने नहीं पढ़ा अभी भी मत पढ़िएगा क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं है, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है अच्छी, और आप ऐसे ही बना सकते हो। वेन डायग्राम आ रहा है, वेन डायग्राम आ रहा है, जैसे कि दे दिया यहाँ पे अध्यापक टीचर बॉय और गर्ल, ठीक ऐसे करके दे दिया। और यहाँ पे और भी क्वेश्चन था, जैसे शिवाजी की राजधानी पूछा था, 68वें फिल्म पुरस्कार पूछा था, मैथ से क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आ रहे हैं, परसेंटेज में इलेक्शन पे क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और उतना ज्यादा कुछ डिफिकल्ट पेपर नहीं आ रहा है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पेपर ठीक ठाक ही आ रहा है, ठीक है। तो जो अभी आप लोगों ने पढ़ा है, जैसे एक क्वेश्चन आपको पूछता हूँ, ठीक है, आप बताइएगा, रुकना 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 रुकना, मैंने कहीं पे लिखा था,
विम्बलडन, ठीक है, 2022 का विनर कौन है ये पूछा, इसका आंसर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। ओके, हार्डली वाला रूल आया था। अब हार्डली वाला कितने बार मैंने रूल बताया आपको, बताओ। हार्डली स्पेशली वाले रूल नहीं बताया आपको, हार्डली स्पेशली और नो सीनर इफ देन, ये बार बार आपको रिपीट करा रहे हैं, ठीक है। हार्डली स्पेशली के साथ में मैंने लगता, तो ये चीजें कराइए, तो इंग्लिश ये ओवरऑल इजी आ रहा है, रागा भी उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो अगर आपने थोड़ा सा प्रैक्टिस की होगी, लगेज के जैसे इरर मीनिंग आया था, लगेज लगजेस वाला, अच्छा लगजेस वाला जो होता नहीं सिंगुलर, ये मतलब इरर मीनिंग आपको करना था। ईस्टर्न का साइनोनिम आ गया था आपका, ठीक है। बाकी पेपर आपका इजी आता है, ओके, इतना डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। आप अच्छे से जाओ, अच्छे अटेम्प्ट करिएगा, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट आप सभी को। मैं कहता हूँ फिर से वही बात, फिजिक्स में अगर हार्ड आ रहा है तो 12 से 15 तो कर ही सकते हो, हार्ड में 12 नंबर, 12 तो 12 नहीं, 12 मिनिमम तो कर ही सकते हो, क्योंकि भाई 10 नंबर लगभग 10 से 8 पासिंग मार्क होता है। तो मैं बिल्कुल क्लियर रखना चाहता हूँ कि आप 12 नंबर फिजिक्स में लेके जा रहे होगे, ठीक है। वहीं पर अगर मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स में आप 10 से मतलब 10 तो कुछ कम ही बता दिया, मैथ्स में आप वही 12 से 15 अगर हार्ड लेंदी वाले में हो, और इंग्लिश तो आप एटलीस्ट 15 क्वेश्चन सही करोगे। अगर इतने इतने बीबी करोगे तो पेपर निकल जाएगा एक्स का, और वाई में इंग्लिश में 15 और उसमें 20 आराम से हो जाएगा। मतलब 30 में 20 करने हैं, इधर 20 में 15 करने हैं, काफी अच्छे इसको, इतने में फाइनल हो जाएगा, ओके। बाकी कोई डाउट है तो कमेंट में आंसर कर लेना, वीडियो को दोस्तों के पास तक पहुंचा देना, चैनल फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।